जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो वीडियो है इसमें कुछ हम बात करने वाले फिजिकल को लेकर कि कब से आपको फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। देखो, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है और आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप लोग मान सकते हैं 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कल भी एक वीडियो डाला था जिसमें जीडी ने व्यापकों को परमिशन दे दी, पीवी को परमिशन दे दी कि आप लोग रिजल्ट जारी कर सकते हैं। बाकी आपका जो रिजल्ट जारी होगा वो होगा 87-13 वाले फॉर्मूले पर। अब उसमें 13% रिजल्ट आपका होल्ड होगा। उसमें एक चीज होगी कि आपका कट ऑफ भी ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी मैंने आपको बोला है, अगर आप लोगों ने इतने टाइम से फिजिकली प्रिपरेशन आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोग वो कंटिन्यू जारी रखें। इतने टाइम से कर रहे हैं और 5-10 दिन अगर और करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और हो सके नाम आपका आएगा ही, और आप लोगों ने जो तैयारी की है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं काम आपको आने वाली है। तो रिजल्ट का हो गया, 1 से 10 फरवरी के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी रही बात फिजिकल की, फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, तो आप लोग पहले तो अगर आप लोगों के कोई सोर्स है, कोई परिचित है जो पुलिस विभाग में है या जो भी चीजें जहां से आप लोग कुछ ना कुछ पता कर सकते हैं, तो फाइनली आपका जो फिजिकल है वो 20 फरवरी के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। अब 20 फरवरी हो सकता है 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी से आपको फिजिकल स्टार्ट होगा और होली के पहले आपके जो फिजिकल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 महीना अगर आपके फिजिकल चले तो 22-23 फरवरी से 22-23 मार्च आप लोग मान सकते हैं आपके फिजिकल चलने वाले हैं। अब इस बीच में कई सारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो काफी टाइम से सपोर्ट भी करते हैं और हम भी सारी चीजें हैं। देखो, अगर इसमें कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये जो आंदोलन हम लोग करने वाले थे 30 तारीख के दिन जो आंदोलन होने वाला है इसको रोकने के लिए ये सारी चीजें की गई है, तो देखो रिजल्ट तो आना ही है। बाकी अगर आप लोग वो चीज करते हैं तो उसमें भी हम आपके साथ में, हमारे जो स्टूडेंट है उनका भी पूरा सपोर्ट है आपको और हमारा भी पूरा सपोर्ट है। अगर ऐसा होता है तो हम आपके साथ में हैं और बिल्कुल जब आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे उस कंडीशन में हम लोग आपके साथ में आने के लिए तैयार है। बाकी रिजल्ट की ये जो चीज है ये आप लोग मान सकते हैं बिल्कुल सही होने वाली है और आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाले। 1-2 एग्जाम के रिजल्ट आ गए तो आप लोगों को फिर लगेगा कि यार ये पॉजिटिव बातें हुई है और सारी जो एग्जाम्स जो होल्ड है, जिनका रिजल्ट होल्ड है, उनके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आप लोग जो करने वाले उसमें भी हम आपके साथ में। बाकी आप लोगों को फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए और ज्यादा नहीं तो एक टाइम आप लोग फिजिकली प्रिपरेशन करें और बहुत अच्छे से अपने आपको तैयार रखें, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आ सकता है और कभी भी आपको फिजिकल देने का मौका मिल सकता है। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया वो स्टार्ट कर दें, और वो स्टूडेंट जो काफी टाइम से कर रहे थे फिर भी रिजल्ट को लेकर उनका मन नहीं लग रहा है, तो आप 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो आप लोग फिजिकली प्रिपरेशन करते रहे ताकि आपका जो बॉडी है वो रेगुलर रहेगा, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी लास्ट टाइम थोड़ी और ज्यादा मेहनत करने में। तो वर्दी तक फाइनली पहुंचना है, इतना लंबा सफर अगर हमने तय किया, 5-6 महीने हमने इंतजार किया है, तो वो जो सफर है हमारा वर्दी पे ही खत्म होना चाहिए। तो बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जैसे ही कुछ अपडेट आती है आपको तुरंत चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसलिए चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट अपडेट तुरंत आप तक पहुंचते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।